हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर्थ। स्टूडेंट, आज हम आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी सिखा रहे हैं। ठीक है जी, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, भाज्यता। तो स्टूडेंट, ये जो पेज नंबर है आपका 74 बुक में, पेज नंबर 74 पे डिजिबिलिटी है ना। तो इसे हम आपको बताएंगे डिजिबिलिटी की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहली सोचने की बात यही है कि हमें डिजिबिलिटी की आवश्यकता क्यों है, क्यों याद करें हम डिजिबिलिटी, है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसी टॉपिक को क्लियर करना चाहिए कि हमें डिजिबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है जी, तो देखिए, जब भी आप डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि ये किस नंबर या किस डिजिट से डिवाइड हो रहा है ना। तो उसे देखने के लिए आपको डिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, भाज्यता, यानी कि किस संख्या से भाज्य है। जो आपको नंबर दिया हुआ है वो किस संख्या से भाज्य है। जब आप किसी के फैक्टर निकालेंगे, किसी भी नंबर के आपको अगर फैक्टर निकालने हैं, तो भी आपको डिवाइड नहीं करना होता, तो आपको सिर्फ यही देखना होता है, यही टेस्ट करना होता है कि भाई ये भाज्य है या नहीं। ठीक है, तो डिजिबिलिटी इसका बहुत अच्छा साधन है ना। अगर आपको कोई डिजिट दे दी जाए और उसे आपको पूछ ले जाए कि भैया क्या इससे डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, उसे डिवाइड करोगे, हैं? डिवाइड करने में इतना सारा समय बर्बाद करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये डिजिबल है या नहीं है, है ना। तो इसलिए जब हम एस सी एफ निकालते हैं, एल सी एम निकालते हैं, या फिर हम किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट सम में चेंज करते हैं, है ना, तो स्टूडेंट वहाँ पे आपको डिजिबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें डिजिबिलिटी याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज हम आपको कुछ डिजिबिलिटियाँ सिखाएंगे, जो आपके कोर्स में है उतनी ही सिखाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो देखिए, टू की डिजिबिलिटी है ना, टू से कौन कौन सी डिजिट और कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आपने अपना पेज नंबर ओपन कर रखा है, मैंने बताया था आपको 74 पेज नंबर है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। ए नंबर इज डिजिबल बाय टू, कोई भी नंबर टू से डिवाइड होता है इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज इवन डिजिट। यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर इवन डिजिट हो तो वह टू से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट कहने का क्या मतलब हुआ, जितने भी इवन नंबर हैं वे सब टू से डिवाइड होते हैं। ध्यान दें, अगर हम किसी भी डिजिट को टू से डिवाइड करते हैं तो वह जस्ट हाफ होती है, यानी अपने आप की आधी हो जाती है। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आंसर आएगा, 100 को कर रहे हैं तो 50 आएगा, 500 को कर रहे हैं तो 250 आएगा, 36 को कर रहे हैं तो 18 आएगा, है ना स्टूडेंट। तो आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वह अपने आप का आधा हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे इवन और ओड नंबर भी पता होने चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर क्या कौन से होते हैं। अगर आप स्टूडेंट आप सोच रहे हैं कि भाई इवन नंबर है, हमने बता दिया आपको कि भाई इवन नंबर होने चाहिए तो टू से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए टू इवन नंबर क्या है। आप सोच रहे होंगे इवन नंबर क्या होते हैं, है ना, तो हम आपको बता दें, इवन नंबर जो टू के टेबल में आते हैं वे सभी इवन नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखें, जो टू के टेबल में आते हैं, दो के पाड़े में आते हैं, वे सभी इवन नंबर होते हैं। देखिए, अगर कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर, याद रखें, कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है जी, अगर कोई भी आपको नंबर दिया गया है उसके वंस प्लेस पर ये है या सिंगल डिजिट है, तो वे सभी इवन नंबर है ना।
अगर आप स्टूडेंट भूल जाएं कि इवन नंबर ये 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये भूल जाएं कि ये इवन नंबर है या क्या है या इनमें कुछ याद रखे कुछ भूल जाएं, तो फिर क्या करेंगे आप, है ना, फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए भी एक मेथड है, ठीक है जी, इवन ओड नंबर को पहचानने के लिए। देखिए आप ई लिखिए, ऐसे लिख लीजिए ई फॉर इवन, और नीचे ओ लिख लीजिए, ठीक है जी, ओ फॉर ओ, ई फॉर इवन, ओ फॉर ओ। हाँ भाई काउंटिंग तो सभी से आती हैं, है ना, ई से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है जी। जो ई के आगे आए वे सब इवन नंबर हैं, जो ओ के आगे आए वे सब ओड नंबर हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया अब इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, है ना। तो जो ई के आगे आएगा वो सब इवन नंबर है, जो ओ के आगे आएंगे वे सब ओड नंबर हैं। पहले ई लिखेंगे, नीचे ओ लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे लिखना, और जीरो के जस्ट नीचे लिखेंगे 1, फिर ऊपर 2, और 2 के जस्ट नीचे लिखेंगे 3, इसी तरह आप लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है जी। अब कैसे पता चलिए, तो आपको पता चलेगा भाई इवन इवन डिजिट ही होते हैं, ओड डिजिट ही होती हैं, लेकिन नंबर कैसे फाइंड करें, कैसे पहचाने कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए आपको ये डिजिट दे दी गई और आपसे पूछा जा रहा है ये इवन है या ओड है, ठीक है जी। तो वंस टेन डालने आपसे आते होंगे, तो आप लिख लीजिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, जबकि आपको सिर्फ वंस प्लेस की ज़रूरत है, यानी कि जो पहले वाला प्लेस होता है वही देखना है, तो वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, आपको यही फाइंड करना, आपको बाद वाले से कोई मतलब नहीं, चाहे आप वहाँ तक के वंस टेंस डालें या ना डालें, आपको पता होना चाहिए कि ये वंस वाली डिजिट है। हमने क्या कहा था, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन यही तो थी हमारी कि जिस नंबर के वंस प्लेस पर, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी क्या होंगे, वे सभी इवन नंबर होंगे। लेकिन हमारे वंस प्लेस पर क्या है जी, 2, 1 है, और 1 किसके आगे आया, ओड के, तो ये डिजिट हमारी क्या हो गई, ओड हो गई, है ना। तो आपको पहचानना होगा कि ओड डिजिट कैसे होगी, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, पीछे है कितनी भी बड़ी हो, करोड़ तक हो या सिर्फ एक डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो, 2 डिजिट की हो, है, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो सिर्फ वंस प्लेस पर देखना है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। अगर हमें, मैं यहाँ पर 4 कर दूँ इसका, तो वंस प्लेस पर क्या आगा, 4। अब देखिए 4 किसके आगे आ रहा है, ई के, है, तो आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर हो गया। अब ये इवन नंबर हो गया, बाद वाली डिजिट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको इवन ओड आ जाने चाहिए, अगर आपको 2 की डिजिबिलिटी समझनी है तो आपको इवन ओड को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ओड को तो समझने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इवन को ही समझना था, लेकिन हमने साथ के साथ आपको ओड भी समझा दिया, ठीक है जी। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि इवन नंबर कौन सा होता है, ओड नंबर कौन सा होता है, जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह सभी नंबर इवन नंबर होते हैं, ठीक है जी। तो आपसे पहचानने आगे कि भाई इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, तो स्टूडेंट जिस भी डिजिट के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वे सभी इवन नंबर होंगे, और वे सभी 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है जी। ओड 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, ओड नंबर। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको 2 की डिजिबिलिटी भी आ गई होगी, बस एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे ये डिजिट है, मान लीजिए ये डिजिट है ना, तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, ये वंस प्लेस है 6 है, और 6 ए के आगे आता है या 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब हम लेते हैं 3 की डिजिबिलिटी, ओके स्टूडेंट। अब 3 की डिजिबिलिटी देख लीजिए आप,
ए नंबर इज डिजिबल बाई थ्री, कोई भी नंबर थ्री से कब डिवाइड होता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट, यदि जो नंबर दिया गया है जो उसकी डिजिट है उसका सम है ना, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी उन्हें जोड़कर जो आंसर आए अगर वो थ्री का मल्टीपल है ना, तो वह थ्री से डिवाइड है। कैसे समझ लीजिए, क्या कह रहा है, यदि कोई डिजिट दी गई हुई है, आपको ये डिजिट दे दी मान लीजिए, और आपसे पूछा गया क्या थ्री से डिवाइड है ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर ये दी हुई जो डिजिट है नंबर है, जो ये नंबर है, अगर इसकी डिजिट को हम प्लस कर दें, ठीक है जी, इन डिजिट को हम प्लस कर दें जो ये नंबर है, तो क्या आ जाएगा, सेवन और थ्री टेन और टू ट्वेल्व आ गया। अगर ये इसका मल्टीपल है थ्री का, थ्री का मल्टीपल कब होगा, जब थ्री के टेबल में आ जाएगा, है ना, अगर ये थ्री का मल्टीपल है तो ये थ्री से डिवाइड है। आप सोच लीजिए भाई, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व आ गया, नहीं पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई भी संख्या है अगर उसका टोटल सम थ्री के टेबल में आता है तो आप समझ लीजिए कि वो थ्री से डिजिबल है, ठीक है जी, समझ आई बात आपको। दूसरा ले लीजिए एक एग्जाम्पल, और जैसे ये डिजिट है भाई आपकी, एक बड़ी सी लेता है, कभी आप सोच रहे कि भाई छोटी छोटी पे लागू होता है, बड़ी पे नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, नाइन प्लस टू प्लस सेवन प्लस जीरो प्लस फाइव, ठीक है जी, सबको ऐड कर दो, कितना होगा, नाइन और टू अलेवन, अलेवन और सेवन एट्टीन, जीरो जोड़ेंगे तो एट्टीन ही रहेगा, एट्टीन और फाइव कितना हो जाएगा जी, ट्वेंटी थ्री। आप देख सकते हैं क्या ट्वेंटी थ्री थ्री के टेबल में आता है, क्या उसका मल्टीपल है ना, या तो मल्टीपल हो या थ्री उसका फैक्टर हो, बात एक ही है ना। तो स्टूडेंट हम देखेंगे 24 तो आता है लेकिन 23 नहीं आता, तो यह इसका आंसर हो जाएगा नो, कि भाई ये डिजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकती, ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर डिजिबल नहीं है। अगर हमें से डिजिबल करना स्टूडेंट हमें क्या करना होगा है ना, तो अगर हम इसमें वन और ऐड कर दें, अगर हमें इसमें यहाँ वन कर दें और यहाँ भी वन कर दे तो 24 थ्री आता तो 24 हो जाएगा, है और 24 थ्री के टेबल में आता है, थ्री एट जा 24, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी सी ना ऐसे जोड़ कर देख सकते हैं, अगर भाई कह दिया भाई आपको ये थ्री के टेबल में ये थ्री से डिवाइड होगा या नहीं, ये कह दिया आपको ये वाले डिजिट, तो आप जरा क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लीजिए, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और सेवन कितने हो गए जी, थर्टी, तो आपको कह सकता है भाई होने का नहीं, ठीक है। अगर आपको दे दिया गया फाइव वन नाइन, ये डिजिट दे दी गई, आपसे पूछ रहा भाई क्या थ्री के टेबल में थ्री से डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा, नाइन वन टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, तो थ्री फाइव का फिफ्टीन ना भाई हो जाएगा, तो समझ में आया आपको। तो भाई मुझे लगता है कि आप टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको यही देखना होता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, फोर की डिजिबिलिटी, ए नंबर इज डिजिबल बाय फोर, कोई भी नंबर फोर से कब डिवाइड होगा, इफ यदि द लास्ट टू डिजिट आर जीरो, यदि उसके लास्ट की दो डिजिट जीरो हो, लास्ट की दो डिजिट जीरो हो,
और द नंबर फॉर्मिड बाय द लास्ट टू डिजिट इज मल्टीपल ऑफ द फोर, है ना, या तो उसके लास्ट की दो डिजिट फोर के टेबल में आती हो, है ना, या फिर लास्ट की दो डिजिट फोर हो, है ना, तो स्टूडेंट वो फोर से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, अगर कोई भी नंबर ले लिया भाई, ये नंबर ले लिया, आप इसे पूछ रहा क्या ये फोर से डिवाइड है, आपने देखा जो लास्ट की दो डिजिट है वंस और टेंस, वंस और टेंस वाली अगर दो डिजिट जीरो है तो आप कह सकते हैं यस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप यस कह सकते हैं इसके लिए कि हाँ भाई फोर से डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट की दो डिजिट वंस और टेंस वाली फोर के टेबल में हो, उसकी मल्टीपल हो, है फोर उनका फैक्टर हो, तो स्टूडेंट वो भी हो जाएगा 36, 4 9 36, तो फोर के टेबल में आ गए, है ना स्टूडेंट, तो ये फोर से पूरा डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। डिजिबिलिटी का मतलब होता है वह नंबर जो किसी भी, या वह डिजिट जो किसी भी दिए हुए नंबर को पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करे और कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे, ठीक है जी, शेष नहीं बचना चाहिए, अगर शेष बच गया तो डिजिबल नहीं है। तो देखिए हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, क्या ये फोर से डिवाइड है, हमने कहा हाँ यस है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो देखिए ये 3 है, 4 अप्लाई नहीं होने का, 8 और ऐड कर लिया तो 9 से चला लेंगे, 36 हो गया, तो कितने बचे, 209 7 28, 1 3 4 3 12 है जी, 1 0 0, अब उतारना अपने 6 और 4 4 60। देखो स्टूडेंट कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा डिवाइड है। अब देखो हमें ये क्वेश्चन ये कहने के लिए इतना समय लगा, इसे डिवाइड करना पड़ा, इस डिवाइड को करने में बहुत रिक्स है, कहीं गलत भी हो सकता है, आप कहीं गलत प्लस माइनस कर सकते हैं या टेबल गलत कर सकते हैं, इस बात को देखने के लिए अगर आप डिजिबिलिटी याद कर लें तो आपको अपना आप ही पता चल जाएगा हाँ भाई डिवाइड है या नहीं। वंस और टेंस वाली डिजिट अगर फोर के टेबल में आ रही हैं तो सभी नंबर फोर से डिवाइड होंगे, या फिर उनके वंश पे 20, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये 4 की डिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। अब 5 की डिजिबिलिटी देखते हैं जी। भाई याद करने को तो डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने में और समझने में फ़र्क होता है ना। तो अब आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप डिजिबिलिटी अपना आप बता सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, अगर आप ये रट रहे उसे याद कर रहे रट रहे बार बार तो वो याद नहीं होगी, अगर आपने समझ लिया तो आप दूसरों को समझा भी सकते हैं। ओके अब देखिए आप 5 की डिजिबिलिटी, ए नंबर इज डिजिबल बाय 5 है, एक नंबर 5 से डिजिबल है इफ द डिजिट ऑफ द वंस प्लेस, यदि उसके वंस प्लेस पर है जी आइदर 5 और 0 कोई भी, देखिए ये कह रहा है स्टूडेंट कोई भी नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए आपको ये नंबर दे दिया है ना, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 5 से डिजिबल है, 5 से डिवाइड कर सकता है पूरा, तो आपको पता होना चाहिए यदि 5 इस डिजिट के वंश पर, वंश प्लेस यह है इस पे 0 है या 5 है, तो 5 से डिजिबल है, बस कुछ भी नहीं देखना आपको, वंश प्लेस को देखना, अगर यहाँ 0 है तो यस, अगर यहाँ 5 है तो यस, तो ये 9 है, ये होने का नहीं क्योंकि इसके वंश पे 1 है, मान लीजिए ये डिजिट है ना, तो इसके वंश पे क्या है 5, तो यस हो जाएगा, अगर 0 है वंश पे, बाद से हमें कोई मतलब नहीं है बाद की जो डिजिट है, इसके वंश पे क्या है 0 है तो यस हो जाएगा,
नहीं तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए ही हम डिजिबिलिटी सीखते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको 5 की डिजिबिलिटी आ गई होगी। अब देखिए 6 की, ए नंबर इज डिजिबल बाय 6, ए नंबर इज डिजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड तभी होगा, कब होगा जी, इफ द डिजिबल बाय बोथ 2 and 3, यदि वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होता है जब वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि उसमें हम 2 और 3 की डिजिबिलिटी लगा के देखेंगे, अगर दोनों क्लियर है, दोनों से डिवाइड हो रहा, तो हम कह सकते हैं वो 6 से भी डिवाइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट ध्यान दें कि सबसे पहले आप यही देख लें क्या वह नंबर इवन नंबर है, जो इवन नंबर होगा तभी वो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो तभी वो 3 से देख सकता है। सबसे पहले आप यही देखें, अगर 6 से देखना हो क्या वो इवन नंबर है, अगर नहीं इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो आप उसे नो लिख दें, साथ के साथ आगे देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, यदि वो इवन नंबर है, मान लीजिए देखिए एक नंबर ले लेते हैं, ये नंबर हमने देख लिया भाई 9 है, इसके वंश पर 9 है तो ओड नंबर है, तो ये तो होने का ही नहीं 6 से डिवाइड। ठीक है जी, अब हमने ये वाला नंबर लिया तो ये इस पर 6 है तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम सोच सकते हैं कि ये 6 से डिवाइड हो सकता है, तो अब हमें देखना होगा क्या है 3 से भी डिवाइड है। 3 से डिवाइड देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने डिजिबिलिटी देखी थी तो हम क्या करेंगे इन्हें जोड़ लेते हैं, है ना, 2 और 1 3 और 2 5 5 और 6 क्या होगा जी 11, तो 11 3 के टेबल में आता है नहीं, उसका मल्टीपल नहीं है ना, 3 उसका फैक्टर है 11 का, तो नो। अगर स्टूडेंट हम इसमें 1 और प्लस कर दें तो अब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, अगर 12 हो गया तो स्टूडेंट ये इवन नंबर भी है और 3 से भी डिवाइड हो रहा, दोनों से हो रहा है ना, तो अब हम कह सकते हैं ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और डिजिट ले लेते हैं कोई, चलो यही देखते हैं, पर ये तो ओड नंबर है, ओड नंबर तो होने का ही नहीं, आपको पहले ही बता दिया ये नंबर है जी। तो सबसे पहले हमने देखा ये 8 पे क्या है, वंश पे प्लेस पे क्या है जी 8 है तो ये इवन नंबर है, तो अब हम इसे 3 से देख लेते हैं, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, इनमें प्लस के चिन्ह लगा लीजिए, कितने हो गए 8 और 7 15 15 20 28 हो गए जी, इनका इनका जो प्लस करके आंसर आया वो 28 आया, 28 3 के टेबल में नहीं आया है ना, तो 27 आता है, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होने का। तो अगर हम यहाँ 1 और लिख लें या यहाँ हम 4 कर दें, स्टूडेंट कर दिया, तो अब हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, और 27 3 के टेबल में आता है ना, तो ये 6 से डिवाइड है। ध्यान दें, फिर एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना, जो आपको नंबर दिया गया है क्या वो इवन नंबर है, अगर है तो सही है, अगर नहीं ओड नंबर है तो आपके 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, पहले ही बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसकी अगर वो इवन नंबर है तो आगे देखेंगे क्या ये 3 से भी डिवाइड है, जो भी नंबर है उसमें जितनी भी डिजिट है उन सबको जोड़ लीजिए कि जो भी 3 के टेबल में आती हैं, तो आप कह दीजिए यस कि वो है। तो स्टूडेंट लगता है मुझे टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना, अब 6 के बाद 7 पे चलते हैं। ठीक है जी, ए नंबर इज डिजिबल बाय 7 इफ द लास्ट वंस प्लेस मल्टीपल बाय 2 और रिमाइंडर डिजिट इज माइनस
देन इज जीरो और ए फैक्टर ऑफ द मल्टीपल ऑफ सेवन। ठीक है जी, देखिए समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी अगर डिजिट हमें दी गई है तो उसके लास्ट में कहते हैं कि लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है उसे डबल कर लो, तो मल्टीप्लाई टू फोर, हमेशा टू से ही मल्टीप्लाई होगी जो भी वंस वाली डिजिट होगी, लास्ट वाली क्या हो या वंस वाली क्या। ठीक है जी, अब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचा, ये बच गया। अब ये तो सेवन टेन जा 71 बच गया, तो ये 70 के टेबल में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आप कह सकते हैं नहीं कि ये डिवाइड नहीं है, तो जी अब 71 आ गया। जो 71 आ गया हम इसे दोबारा, ये पता चल गया कि हमें ये डिवाइड नहीं होने का सेवन से, तो एक डिजिट और भी लेके देखते हैं। तो ये डिजिट ले लिया हमने स्टूडेंट, है ना। अब हम इसे करेंगे जो वंस प्लेस वाली डिजिट है उसे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू आ गया। अब हम इसे 72 को जो बची हुई डिजिट है हमारी वंस प्लेस जो बची जहाँ उसे हम टू से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जीरो आ गया, 70 आ गया, तो 7 × 10 = 70, तो पूरा डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह टू से डिजिबल है ना। तो इसलिए ये सेवन की जो डिजिबिलिटी है मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम एट की डिजिबिलिटी देख लेते हैं। डिजिबिलिटी बाय एट, ए नंबर इज डिजिबल बाय एट इफ द नंबर फॉर्मेड बाय द लास्ट थ्री डिजिट वंस टेंस और हंड्रेड इज डिजिबल बाय एट। यदि किसी भी नंबर के वंस टेंस और हंड्रेड वाली डिजिट एट से डिवाइड होती है तो वह एट से डिजिबल है। इफ द थ्री जीरो, जैसे फोर वाली डिजिबिलिटी थी हमारी, इसी तरह एट वाली होती है। एट में टू डिजिट का था, इसमें थ्री डिजिट है और थ्री ही जीरो है, उसमें दो जीरो थी इसमें थ्री जीरो है। तो क्वेश्चन मान लीजिए मान लीजिए तीन जीरो हैं किसी भी डिजिट पर के वंश पर, तो आप एकदम कह सकते हैं कि एट से डिजिबल है, एट से डिवाइड हो जाएगी, है ना। या फिर उनकी तीन डिजिट, लास्ट की तीन डिजिट वंस टेंस और हंड्रेड वाली एट के टेबल से में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि एट से डिवाइड होगा, है ना। तो स्टूडेंट इसकी डिजिबिलिटी इतनी कोई खास नहीं है कि अगर आपको ये डिजिट देखनी, तीन डिजिट देखनी है, आपको तीनों की तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा देखने के लिए, क्योंकि इसकी डिजिबिलिटी यही है, तो आपको ये तो डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ज़्यादा बड़ी डिजिट है आपके पास तो आप इसकी डिजिबिलिटी को लगा सकते हैं, जो वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट होती है उन्हें डिवाइड करके देख लीजिए आप एट से, अगर डिवाइड हो रही तो वो डिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी, अब नाइन की डिजिबिलिटी, ए नंबर इज डिजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिजिबल बाय 9। 9 से मीन्स नंबर डिवाइड होंगे जिनका सम 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर है आपको दे दिया गया, इस नंबर को आप ना देखना चाहते हैं क्या ये 9 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे इन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक है, 9 × 2 = 11, 11 × 1 = 10, 10 × 2 = 12। तो क्या सम आ गया, बिल्कुल सेम 3 की डिजिबिलिटी है जो 3 की थी, तो हम इसे 12 आ गया। हम देख सकते हैं कि जो 9 का टेबल है, 9 के टेबल में कहीं भी 12 नहीं आता, है ना स्टूडेंट, आता तो नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये डिजिट है ये 9 से डिवाइड नहीं होने की। तो दूसरी देख लीजिए एक और, जैसे 9 9 9 और 9, ये देख लीजिए है,
तो क्या ये 9 से डिवाइड होगी? तो हम क्या करेंगे, इन्हें सबको ऐड कर लेंगे, 9 9 18 18 और 9 27 और जी 9 36 है ना। अब आप इसे देख सकते हैं 6 और 3 9, तो ये 9 3 के टेबल में आता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह कि भाई ये 9 से डिजिबल है। ओके स्टूडेंट, अब डिजिबिलिटी बाय 10, ए नंबर इज डिजिबल बाय 10 इफ द वंस प्लेस इज 0। यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 आता है तो वह 10 से डिवाइड होगा। मान लीजिए ये डिजिट है तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 0 है, 0 है तो आप कह सकते हैं यस हाँ ये 10 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ वंस के 0 के अलावा कोई भी डिजिट है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ वंस प्लेस पर ध्यान रखना है कि वंस प्लेस पर अगर आपके 0 है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, जो बाकी की डिजिबिलिटी हैं वे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।